और भारी राजा ने किसका रूप से लंगर लगे और अम्बेडकर राष्ट्र आज का दिन पता चलता हंगामे की तस्वीरें हैदराबाद की हैं। हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग पंजा गुट्टा चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू लगाना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद वी हनुमंथप्पा और हर्ष कुमार को हैदराबाद पुलिस ने इसी सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों सुबह सुबह बाबा साहब के स्टैचू के साथ पहुंचे थे और उसे पंजा गुट्टा चौराहे पर स्थापित करना चाहते थे। यहीं पर आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्ति भी लगी हुई है। दरअसल इसी साल अंबेडकर जयंती से पहले अंबेडकर वादियों ने पंजा गुट्टा चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहते हुए मूर्ति को हटा दिया कि इसके लिए इजाजत नहीं ली गई थी। उसके बाद कॉरपोरेशन के अधिकारी मूर्ति को अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ घंटे बाद ही बाबा साहब की वही मूर्ति कूड़े के ढेर में पड़ी मिली थी। तभी से अम्बेडकर वादियों में इस अपमान को लेकर गुस्सा है। आज सुबह सुबह हनुमंथप्पा और उनके साथी पंजा गुट्टा चौराहे पर जैसे ही मूर्ति लगाने आए, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हनुमंथप्पा ने 5 लाख रुपए में बाबा साहब की नई मूर्ति बनवाई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस नई मूर्ति को भी सीज कर लिया है। అంబేద్కర్ దొంగన ఆ విగ్రహం ఎందుకు ఎత్తుకపోయిండ్రు ఆ విగ్రహం తెచ్చి आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।